वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एकदम जबरदस्त बिगफुट आरसी कार की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूं। दोस्तों इसका नाम है खोपड़ी तोड़ बिगफुट आरसी कार। एक बार इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। इसके ऊपर आप जहां पर भी देखो यार सिर्फ खोपड़ियां ही खोपड़ियां नजर आएंगी। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और भयंकर वाली टेस्टिंग। ये आ जाती है क्रेजोन ब्रांड की तरफ से। क्रेजोन ब्रांड की जितनी भी चीजें होती है ना बहुत ही ज्यादा बड़े साइज की होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी होती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पर सबसे ऊपर मिलता है इसका रिमोट। रिमोट एकदम मैचिंग कलर है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। स्टीयरिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। यह है इसका ट्रिगर। यहां पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। नीचे की तरफ अपने को 2 AA बैटरीज इसके अंदर डालनी पड़ती है। यहां पर है अपनी बिगफुट। यार सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़े साइज की है और बहुत ही ज्यादा वजनदार भी है। ओ माय गॉड इसके व्हील्स का साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। मेरे पास जो है XLF आरसी कार है उससे भी ज्यादा बड़े व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं गाइस। ये देखो यार क्या ही जबरदस्त डिजाइन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंजल बोल के भाई यहाँ पे लिखा है। ये एंजल तो लगती नहीं है यार कहीं से भी। पूरी की पूरी शैतान जैसी दिख रही है। स्ट्रीट ट्रैकर बोलकर यहाँ पे लिखा है। बाकी डिटेल इसकी थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। यार देखते हैं इसके अंदर अपने को और क्या क्या चीजें मिली है। यहां से शायद अपने को खोलना पड़ता है इसको। अच्छा यहाँ पे एक और बॉक्स है। शायद इसके अंदर इसकी बैटरी होगी। देखते हैं यार कौन सी बैटरी दी है इन लोगों ने। ओ भाई देखो यार एकदम तगड़ी वाली बैटरी इन लोगों ने दे रखी है। यार मेरे को इसी से ही पता चल रहा है कि कार कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। 7.4 वोल्ट की लायन बैटरी है। 1200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी मिल जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरे पास तो बहुत सारी बिगफुट आरसी कार्स है पर इतनी ज्यादा कमाल की बिगफुट मेरे पास कोई भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता मेरे पास जितनी भी बिगफुट है कोई भी इसको हरा पाएगा। इसीलिए मैंने इसके साथ फाइट कराने के लिए रिप्सो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली टैंक ले ली है। इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और इसके साथ आज इसकी पूरी कंप्लीट फाइट करा के देखेंगे। सामने यहां पर फेक इंजन भी दिया हुआ है। मेरे को लगता है ये जो कार है 4x4 होनी चाहिए यार ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी मेरे को पता नहीं है। बॉक्स के ऊपर भी कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ये 4x4 है या फिर 2x2 है। यहां पे देख सकते हो सस्पेंशन जैसा डिजाइन तो दिया हुआ है पर इसके अंदर सस्पेंशन है नहीं। पीछे की तरफ से अपनी जो कार है इस तरह की दिखाई देती है। यहां पे इसको ऑन ऑफ स्विच है। सामने की तरफ से देखो यार यहां पे हेडलाइट जैसा डिजाइन है पर इसके अंदर कोई भी हेडलाइट अपने को मिलती नहीं है। सामने भी सस्पेंशन है नहीं। टैंक और इसका साइज बिल्कुल सेम टू सेम है। बाकी इसकी हाइट काफी ज्यादा है क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े दिए हुए हैं। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर बेल्ट है। यहाँ पे इतने ढेर सारे व्हील्स लगे हुए। बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैंक है दोस्तों ये। इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। PS2 के रिमोट की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ पे जॉयस्टिक जैसा डिजाइन है पर इसकी जॉयस्टिक जो है यहाँ पर दी हुई है। ऊपर की तरफ 2 ट्रिगर्स अपने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अपने को 2 AA बैटरी डालनी पड़ती है। यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस बोल के लिखा है। दोनों ही रिमोट जो है 2.4 GHz पे ही चलते हैं। चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं बाहर कराते हैं भाई दोनों के बीच में फाइट। आज देखते हैं यार अपनी टैंक जीतती है या फिर अपनी खोपड़ी तोड़ बिगफुट जीतती है। लेट्स गो दोस्तों। ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूं बाहर। खोपड़ी तोड़ बिगफुट को मैंने रोड पे रख दिया है। इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसके व्हील्स देखो यार कार से भी ज्यादा बड़े दिए हुए हैं। साइड में मैंने टैंक भी रख दिया है। टैंक का भी साइज काफी ज्यादा बड़ी है। काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है। चलो यार अभी बिगफुट को रोड पर दौड़ाते हैं। यार इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा दी गई है। बॉक्स के ऊपर तो सिर्फ 15 km/h लिखा था। ब्रेक्स भी बड़े ही कमाल के लग रहे हैं क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ही ज्यादा बड़े दिए हुए। कार की कंट्रोलिंग ठीक ठाक है। चलो गाइस अभी अपन चलाते हैं टैंक को। टैंक को चलाना बड़ा इजी यार। ये कंट्रोलिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा मस्त है। देख सकते हो मैं इसको कितनी आसानी से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये 360 डिग्री भी घूम सकती है यार खड़े खड़े। रिमोट बड़ा ही फैंटास्टिक लगता है गाइस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे PS2 के अंदर कोई गेम वगैरह खेल रहा हूँ। अभी यहाँ पे अपन इन दोनों के बीच में रेस लगाने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों इस रेस में कौन जीतता है। सबसे पहले इनिशियल जो पिकअप है टैंक के अंदर बहुत ही ज्यादा दिया हुआ। अभी जैसे ही अपनी बिगफुट ने स्पीड बढ़ाई है देख सकते हो और बिगफुट बड़ी आसानी से अपनी टैंक को पीछे छोड़ चुकी है। बिगफुट बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है। बिगफुट की जो स्पीड है 30 km/h तक जा सकती है। बिगफुट बहुत ईजी तरीके से जीत चुकी है इस रेस को। अभी अपन लोग आ चुके हैं ऑफ रोड में। दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली टेस्टिंग करेंगे गाइस ऑफ रोड में। सबसे पहले बिगफुट को चला के देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। देख सकते हो यार बड़ी आसानी से पत्थरों पर से तो निकल जा रही है। ओ भाई इसके सामने इतने बड़े पत्थर भी देखो यार कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यार इसके व्हील्स बहुत ही बड़े। अभी अपन चलाएंगे टैंक को इन पत्थरों पर से। देखते हैं यार टैंक कितनी आसानी से यहाँ निकल पाती है। ओ भाई टैंक के लिए तो ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा ईजी है। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है।
ओके गाइस, अभी अपन इन दोनों के बीच में पावर टेस्ट करने वाले हैं। दोनों को आमने सामने मैंने रख दिया, यहाँ पे दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन जीता है। दोनों के बीच में घमासान सी टक्कर हो चुकी है। ये देखो यार, अपनी जो बिग फुट है टैंक को ठेकेल रही थी, पर अभी टैंक यहाँ पर देखो यार पूरी तरीके से खतरनाक हो चुकी है। ये जो अपनी बिग फुट है सिर्फ टू व्हील ड्राइव है, इसीलिए ये पूरी तरीके से हार चुकी है। ज्यादा पावर नहीं बन रही यार इसके अंदर। यार पुशबैक में तो टैंक ने बड़ी आसानी से बिगफुट को हरा दिया था। अभी दोनों के बीच में अपन ऑफ रोड रेस लगाने वाले, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन जीतता है। दोनों ही ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा पानी भी है। जैसे ही मैं बिगफुट को पानी के अंदर लेके जा रहा हूँ, इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो रही है, पर टैंक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। सेम स्पीड पे ही टैंक यहाँ पर चल रही है। अभी देखो यार अपनी जो बिगफुट है वापस से क्रॉस कर दिया है टैंक को, और बिगफुट बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। बिगफुट की स्पीड ऑफ रोड में बहुत ही ज्यादा दी गई है। देखो इस टैंक के सामने जैसे ही पत्थर आ रहे हैं, इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो रही है, पर बिगफुट की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। यार देखो बिगफुट जो है ना घास में भी बड़ी आसानी से चल रही है, क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इस वजह से इसको जो ट्रैक्शन है बड़ी मस्त मिल रही है। टैंक यार बहुत स्लो हो चुकी है। यहां पे क्लियरली ऑफ रोड रेस में अपनी जो बिगफुट है जीत चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पर एक और तगड़ा टेस्ट अपन कराने वाले हैं। दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दिया है, दोनों के बीच में अभी अपन टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन जीता है। दोनों ही व्हीली मार रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, यहाँ पे देख सकते हो बिगफुट शायद नीचे गिरने वाली है। ये देखो यार टैंक ने इसको धड़ाम से औंधे मुंह गिरा दिया है। तो भाई मेरे को नहीं लगा था कि टैंक यहाँ पर जीतेगी, पर टैंक देखो यार बड़ी आसानी से बिगफुट को वापस से टग ऑफ वॉर में भी हरा चुकी है। दोस्तों अभी अपन यहाँ पे क्लाइंब टेस्ट कराने वाले हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे 40 डिग्री की क्लाइंबिंग है, मेरे को लगता है ये बड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। ओ भाई ये क्या हो गया यार, बिगफुट देखो यार पूरी तरीके से उल्टा गिर चुकी है। ये तो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है यार। फटाफट से टैंक को भी चला के देख लेते हैं, टैंक यहाँ से निकल पाती है या नहीं। मेरे को लगा था कि गाइस टैंक नहीं चढ़ेगी, बिगफुट चढ़ जाएगी, पर यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से उल्टा पुल्टा हो चुका है। टैंक इजी तरीके से चढ़ चुकी है और बिगफुट बिल्कुल भी यहाँ से क्लाइंब नहीं कर पाई है। यहाँ पे अभी अपन इन दोनों के बीच में रेंज टेस्ट भी करेंगे गाइस। देखते हैं कौन बहुत दूर तक जा पाता है, किसकी रेंज ज्यादा दी गई है। यहाँ पे अपनी बिगफुट बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। टैंक का कनेक्शन पूरी तरीके से लॉस हो चुका है। यहाँ पर भी देखो यार मेरे को लगा था कि टैंक जीतेगी, पर रेंज के मामले में बिगफुट क्लियरली यहाँ पे जीत चुकी है। दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में अपन ड्रिफ्ट टेस्ट भी करने वाले हैं, साथ में 360 डिग्री टेस्ट भी करेंगे। देखो यार टैंक का जो 360 डिग्री टेस्ट है और ड्रिफ्ट टेस्ट है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये बहुत आसानी से ड्रिफ्ट और 360 डिग्री मार सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिगफुट को देखो यार, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसको ड्रिफ्ट मारने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो गाइस क्लियरली यहाँ पे ड्रिफ्ट और 360 डिग्री के मामले में अपनी जो टैंक है इजी तरीके से जीत चुकी है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको एक खोपड़ी तोड़ बिगफुट कैसी लगी। मेरे को तो लगा था कि भाई खोपड़ी तोड़ बिगफुट आज टैंक की खोपड़ी तोड़ देगी, पर टैंक ने खोपड़ी तोड़ बिगफुट की खोपड़ी फोड़ के रख दी है। भाई टैंक इतनी ज्यादा खतरनाक है। टैंक कैसी लगी गाइस नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है बिपिन, नदीम, गुरु, कुशल, निमेश शर्मा, सुमरिया मलिक, माइकल, माहिन, प्रोमी, ओनिक, प्रभात सिंह। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।